जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। एनकाउंटर में 7 आतंकी मारे गए, सभी के शव बरामद, एक जवान भी जख्मी। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में भी आतंकी मुठभेड़, कचदूरक में 2 जवान जख्मी, अस्पताल में भर्ती किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी एनकाउंटर, दयाल गांव में सेना ने एक आतंकी को जिंदा पकड़ा, दूसरे को मार गिराया। अनंतनाग में देर रात शुरू हुआ ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। डोकलाम विवाद के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास दिबांग दाऊ देलाई और लोहित इलाके में अपनी फौज की तादाद बढ़ाई। जवाब में हिंदुस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया, भारत ने पहाड़ी इलाकों में सैनिकों की गश्त बढ़ाई, चीन की गतिविधियों पर पैनी नजर। सीबीएसई पेपर लीक मामले में दिल्ली से क्राइम ब्रांच ने 2 टीचर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ऋषभ और रोहित नाम के टीचर की ड्यूटी परीक्षा में लगी हुई थी, दोनों ने तौकीर नाम के शख्स को एग्जाम से आधे घंटे पहले पेपर भेजा था। सीबीएसई के 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर लीक मामले में नया खुलासा, 2 तरीके से पेपर लीक हुए। लीक पेपर एक हैंड रिटन फॉर्म में और एक प्रिंटेड फॉर्म में था। टीचर्स ने पेपर की फोटो खींचकर तौकीर को भेजी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था। दिल्ली के बवाना में पेपर 9:45 पर शुरू होना था, लेकिन इन्होंने 9:15 पर यानी कि 9:15 ही पेपर लीक कर दिया। पेपर लीक मामले में सीबीएसई को मेल भेजने वाला व्यक्ति पहचान लिया गया है। इसके लिए पुलिस ने गूगल से जानकारी मांगी थी, एक छात्र ने अपने पिता की आईडी से भेजा था मेल। इसी बीच सीबीएसई ने एक अलर्ट जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया में पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर शेयर किया जा रहा है वो झूठा है। पेपर लीक में अब तक 53 छात्रों और 7 टीचर से पूछताछ। पेपर लीक मामले में इसे शेयर करने वाले 6 व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला है। दोबारा परीक्षा कराने के खिलाफ एक और याचिका दायर, पुरानी परीक्षा के आधार पर नतीजे घोषित करने और सीबीआई जांच की मांग की गई। झारखंड के चतरा में पुलिस ने 9 नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया, पेपर लीक मामले में कार्रवाई हुई। झारखंड के चतरा में छात्रों को 27 मार्च को 10वीं का मैथ्स का पेपर मिल गया था, व्हाट्सएप के जरिए ये पेपर मिला था। एसएससी और बोर्ड पेपर लीक से नाराज बीएचयू के छात्रों का प्रदर्शन, सरकार से धांधली की निष्पक्ष जांच की मांग की। पेपर लीक मामले में एबीवीपी का प्रदर्शन, सीबीएसई ऑफिस के बाहर विरोध जताया। राष्ट्रहित की बात करने वालों के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश, जी हिंदुस्तान ने किया ईमानदारी की बोली लगाने वाले आचार्य अटल को बेनकाब, देश को सबूतों के साथ पूरा सच दिखाया। बिहार के भागलपुर उपद्रव मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत का सरेंडर, स्पेशल सेल के अधिकारियों ने कस्टडी में लिया। इससे पहले अदालत ने अर्जित शाश्वत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, इसके बाद अर्जित ने सरेंडर करने का फैसला लिया। औरंगाबाद हिंसा में अब तक 9 एफआईआर, एसपी के मुताबिक मामले में 400 लोगों की पहचान की गई। बिहार के नवादा में पुलिस की कड़ी सुरक्षा, शुक्रवार को हुई थी हिंसा। आसनसोल जाकर राज्यपाल ने हालात का जायजा लिया, रामनवमी के बाद से हिंसा के हालात बने हुए हैं। आसनसोल और रानीगंज में इंटरनेट पर 4 अप्रैल तक बैन लगाया गया है, आसनसोल में 144 धारा भी लागू। बीजेपी का डेलीगेशन आज बंगाल का दौरा करेगा, इसमें शामिल बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह आज विशेष विमान से इराक रवाना होंगे, वीके सिंह दोपहर 12:15 इराक के लिए रवाना होंगे। वीके सिंह मॉसुल में मारे गए 39 भारतीयों के पार्थिव शरीर लेने जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की वकालत की, महबूबा ने कहा कश्मीरी पंडितों के बिना घाटी अधूरी है। महबूबा ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की, सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की पहल करने की अपील की। कर्नाटक में लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा देने के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बड़ा बयान, कहा चुनाव के बाद फैसला लेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज, बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग जांच करेगी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हत्या की साजिश नाकाम, आंध्र प्रदेश पुलिस ने 2 नक्सलियों को धर दबोचा। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा ड्रग्स की तस्करी में शामिल सभी की संपत्ति होनी चाहिए अटैच, सिद्धू का सबसे बेबाक इंटरव्यू।
राजस्थान के झुंझुनू के मलसीसर में बांध टूटने से हालात बिगड़े। बांध में 8 करोड़ लीटर पानी था, जिसकी वजह से आसपास का इलाका डूब गया। अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का जवाब, कहा विरासत में 1 लाख किलोमीटर गड्ढे युक्त सड़कें मिली थी, उसे हमने भरा है। दिल्ली में आज से अल्ट्रा क्लीन पेट्रोल मिल रहा है, दाम पुराना ही रहेगा लेकिन प्रदूषण में कमी आएगी। मुंबई में ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिलाओं का प्रदर्शन, सरकार पर निजी मामले में दखल देने का आरोप। महिलाओं के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी ने कहा मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक नहीं चाहती, घर के पुरुषों के दबाव में मोर्चा निकाल रही हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी के 338वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के मालवन बीच पर मरी हुई व्हेल मछली मिली, वजन 10 टन से ज्यादा होने की वजह से हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई। आईएनएक्स मीडिया केस में पीटर मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ी, 13 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। पीटर ने कार्ती चिदंबरम के साथ अपनी बिजनेस डील के मामले पर चुप्पी साध रखी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 50 में गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली के घर पर ताला तोड़कर चोरी, लाखों की नकदी और ज्वेलरी ले उड़े चोर। कोठी में ओपी कोहली की बेटी ऋतु कोहली रहती है, चोरी के वक्त वारदात के वक्त कोई घर में नहीं था। केंद्र सरकार के खिलाफ आज बीजेपी सांसद सावित्री बाई का हल्ला बोल, लखनऊ में आरक्षण बचाओ रैली करेंगी सावित्री बाई, रिजर्वेशन को लेकर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से नाराज हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 करने पर कर्मचारी सीएम शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया जताते नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने असंगठित श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश का अटल अभियान मजदूरों को सुरक्षा और सम्मान देगा, जिसके लिए पंजीयन अभियान 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 4 मंजिला होटल गिरा, मलबे में दबने से 10 लोगों की मौत, कई जख्मी, 25 से ज्यादा लोगों के दबे होने की अब भी आशंका, राहत और बचाव का काम तेजी से जारी। जेसीबी से मलबा हटाकर लोगों को निकालने का काम जारी है, घायलों को इंदौर के एमवाई अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस के मुताबिक एक बेकाबू कार होटल की बिल्डिंग में टकराई, उसके बाद होटल की बिल्डिंग भरभराकर ढह गई। बताया जा रहा है कि इस होटल की बिल्डिंग पहले से ही काफी जर्जर थी, होटल में एक रेस्टोरेंट और लॉज भी था। यूपी के गोरखपुर में बेकाबू कार पेड़ से टकराई, हादसे में 6 लोगों की मौत, हादसे में जख्मी एक की हालत नाजुक, मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मुंबई के करजत इलाके में मूक बधिर स्कूल का केयर टेकर गिरफ्तार, 2 नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा, भागने की कोशिश करने पर पुलिस ने गोली चलाई जिससे बदमाश जख्मी हुआ। यूपी के आगरा में मुठभेड़ के दौरान चली गोली से एक सिपाही जख्मी हो गया, पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, उसका साथी फरार होने में कामयाब। हापुड़ की नवी करीम कॉलोनी में 2 समुदाय के बीच जमकर पथराव, आधा दर्जन लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। गोरखपुर टेरर फंडिंग मामले में यूपी एटीएस ने जांच तेज कर दी, जांच टीम ने शनिवार को नईम एंड सन्स के 3 मोबाइल ब्रांच का मुआयना किया। यूपी के ललितपुर में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल आग लगाकर जान देने की कोशिश की, ब्लैक बोर्ड पर लिखा सुसाइड नोट प्रताड़ित करने का आरोप। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, डाल 100 पर दोपहर 1 बजे आया फोन, पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। देवबंद उलेमा को अप्रैल फूल मनाने पर एतराज, अप्रैल फूल बनाने वाले मैसेज को गुनाह बताया। नवी मुंबई में महानगर पालिका में विपक्ष के नेता और शिवसेना पार्षद विजय चौगुले के घर में नौकर 90 तोला सोना और 2.5 लाख रुपए लेकर फरार, 5 साल से नौकर अनुराग सिंह के घर में काम कर रहा था, वारदात के वक्त घर में सिर्फ नौकर था, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के कन्नौज में बुजुर्ग महिला की जलकर मौत, घटना के वक्त मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। यूपी के ललितपुर में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल में आग लगाकर जान दी, ब्लैक बोर्ड पर लिखा सुसाइड नोट प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, 6 फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में डेटोनेटर चिप के फटने से एक बच्चा जख्मी, पड़ोस में रहने वाला बच्चा चिप से खेल रहा था, उसी दौरान हादसा। झारखंड के जमशेदपुर में चोरी के मामले में 3 लोग गिरफ्तार, सोने की ज्वेलरी, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद हुआ। हरियाणा के जींद में दर्दनाक हादसा, घर में आग लगने से गर्भवती महिला समेत 4 लोगों की मौत, हादसे के वक्त परिवार सो रहा था।
तेलंगाना की एक झील में चार लोगों की डूबकर मौत, सभी लोग घूमने आए थे। यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने एक गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक कार चालक और एक युवक जख्मी। वारदात सीसीटीवी में कैद, फुटेज को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के आगरा में कुछ अराजक तत्वों ने कूड़े के ढेर में आग लगाई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। खबर के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हाथरस में फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत। फैक्ट्री के कर्मचारी मजदूर को अस्पताल में छोड़कर चले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। दो युवकों की मौत, एक मृतक की 3 दिन बाद शादी थी। छत्तीसगढ़ के पखांजुर में मरीजों को बहला फुसलाकर ऑपरेशन कराने का खुलासा। मुफ्त इलाज के नाम पर स्मार्ट कार्ड से पैसे की लूट का आरोप। सीएमओ ने मरीजों की किडनी चोरी के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन गलत ऑपरेशन की वजह से मरीज डरे हुए हैं। जम्मू के रामबन में बनिहाल में जंगलों में अचानक आग लग गई। वन विभाग के कर्मचारी काफी देर तक आग बुझाने की कोशिश करते रहे। बिहार टॉपर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड बच्चा राय की 4.5 करोड़ की संपत्ति जब्त। बच्चा राय पर स्कूली बच्चों को टॉप कराने के नाम पर पैसे लेने का आरोप। उन्हीं पैसों से कई संपत्तियां खरीदी करोड़ों की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नाबालिग से गैंगरेप के केस में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 27 मार्च को अपने भाई के साथ मेला देखकर लौट रही नाबालिग को रास्ते में दबंगों ने चाकू की नोक पर बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक युवक और युवती का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस का कहना है कि मृतका की शादी 16 अप्रैल को होनी थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध था। शक जताया जा रहा है कि दोनों ने खुदकुशी की। राजस्थान के बूंदी में जमीन विवाद में दो भाइयों के बीच खूनी खेल। बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या की। आरोपी भाई मौके से फरार हुआ। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सड़क हादसे में दो लोग बुरी तरह झुलसे। तेज रफ्तार वैगनार और दूसरे कार की टक्कर हुई। कार नाबालिग चला रहा था। आरोपी नाबालिग कार चालक गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीर। पंजाबी गानों में अश्लीलता रोकने के लिए अमरिंदर सरकार का बड़ा कदम। सीएम की अगुवाई में आयोग लगाएगा रोक। अश्लीलता पाई गई तो केस भी दर्ज होगा। जमशेदपुर में एसएसपी ऑफिस के नजदीक नशे में धुत एएसआई का हंगामा। लोगों को दी जान से मारने की धमकी। पुणे में सबसे पुराने फील्ड आर्मी ने अपने स्थापना दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम में दक्षिणी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल डिया सोनी ने हिस्सा लिया। यूपी के पीलीभीत में विदेश भेजने के नाम पर लोगों से 13 लाख की ठगी। विदेश से लौटकर पीड़ितों ने केस दर्ज कराया। यूपी के हापुड़ में 60 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार। पिता के हत्यारों को जमीन के पैसे देने से आरोपी नाराज था। राजस्थान के कोटा में कार में आग लगी। कार में सवार 7 लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। एमपी के रतलाम में डेटोनेटर चिप के फटने से एक बच्चा जख्मी हो गया। पड़ोस में रहने वाला बच्चा चिप से खेल रहा था, उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। जमशेदपुर में चोरी के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। सोने की ज्वेलरी, मोबाइल, लैपटॉप और दूसरा सामान बरामद हुआ। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में बच्ची से रेप के आरोपी की पिटाई। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। यूपी के चित्रकूट में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई से हड़कंप। प्रशासन की 7 टीमों ने खदान का निरीक्षण किया। जोधपुर में चोर एक फ्लैट का ताला तोड़कर कैश और ज्वेलरी ले गए। वारदात का पता परिवार के घर लौटने पर हुआ। कोटा सेंट्रल जेल के एक कैदी ने मेडिकल कॉलेज के बाथरूम में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसे लिवर में तकलीफ की वजह से अस्पताल लाया गया था। झारखंड के चाईबासा में बीए की छात्रा ने प्रेमी के घर में आग फांसी लगाई। पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार किया। हरियाणा के जींद में दर्दनाक हादसा। घर में आग लगने से गर्भवती महिला समेत 4 की दर्दनाक मौत। हादसे के वक्त परिवार सो रहा था। राजस्थान के हनुमानगढ़ में खेत में बने मकान में आग लगी। 3 साल के दिव्यांग बच्ची जलकर खाक। गुरुग्राम के सोहना में एटीएम कार्ड बदलकर लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 2 आरोपी धर दबोचे गए। बिहार के बक्सर में चोरी करते पकड़े गए 2 युवक। लोगों ने बेरहमी से पीटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्री हरिमंदिर साहिब में आज से प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध। प्लास्टिक बैग्स की जगह इस्तेमाल में लाए जाएंगे। मक्की और आलू से बने लिफाफे। पर्यावरण के लिहाज से कदम उठाया गया।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई। उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से यहां सैलानियों की तादाद में इजाफा होगा। गुजरात के गिर में शेरों की सैर का वीडियो वायरल, सासण जूनागढ़ रोड पर दिखा शेरों का झुंड। उत्तर प्रदेश के अयोध्या पर बीएचपी के महामंत्री चंपत राय का बयान, जन्म स्थल पर भगवान राम विराजमान, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के कठुआ में बनाए गए दो टॉयलेट्स कॉम्प्लेक्स केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लहराया गया 155 फीट तिरंगा ऊंचा, पूर्व सीएम भगत सिंह कोशियारी ने हल्द्वानी के लिए गौरव का दिन बताया। यूपी के मथुरा में 40 साल से गौ सेवा कर रही हैं जर्मन महिला की हेमा मालिनी से गुहार, वीजा अवधि बढ़ाने की मदद करने वरना हजारों बीमार गायों को कौन देखेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सूफी संत मियां अब्दुल्ला का उर्स, हजारों लोग शामिल हुए।